अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बिमल है। आज मैं आपको माँ की खिदमत के बारे में बताऊंगी। रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तमाम लोग अपने अपने घरों में मीठी नींद सो रहे थे। एक घर में एक लड़का चिराग की रोशनी में पढ़ रहा था। करीब ही चारपाई पर उसकी माँ सो रही थी। माँ की आंख खुली तो उसने सर उठाकर देखा, बच्चा पढ़ने में मगन था। माँ को प्यास लगी हुई थी। उसने लड़के से कहा, बेटा मुझे पानी देना। लड़का उठा और मटके में देखा, मटका खाली था। बाहर खूब अंधेरा था। एक लम्हे के लिए लड़के ने कुछ सोचा, फिर मटका उठाकर बाहर निकल गया। वो गांव के दरमियान से होता हुआ चश्मे पर पहुंचा। पानी का मटका भर कर वापिस आया। मटके से पानी का कटोरा भरा और माँ के पास आया। माँ दोबारा सो चुकी थी। उसने माँ को जगाना मुनासिब ना समझा और पानी का कटोरा लिए माँ के सराहने खड़ा रहा। कि ना जाने माँ की आंख खुले और पानी मांगे। सारी रात गुजर गई, माँ बेखबर सोती रही। सुबह जब माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा पानी का कटोरा लिए उसके सराहने खड़ा है। उसे याद आ गया कि रात को उसने बेटे से पानी मांगा था। उसने बेटे से पूछा, बेटा तुम यहाँ कब से खड़े हो? रात से जब आपने पानी मांगा था। या अल्लाह जिस तरह इसने मेरा ख्याल रखा है, तू भी इसका उसी तरह ख्याल रख। माँ की दुआ कबूल हुई। वो लड़का बड़ा होकर बुलंद मर्तबा बुजुर्ग बना। आज लोग उन्हें हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं।